जब गार्डन में इतना खूबसूरत गुलाब का पौधा हो तो किसी को भी लालच आ जाएगा। मेरी बेस्ट फ्रेंड आई हुई थी और उसने कहा कि उसे ये पौधा तो चाहिए, देना ही था। मैंने क्या किया, इस पौधे के एक बर्ड को निकाल लिया और उसे अपने जंगली गुलाब के पौधे पे ग्राफ्ट कर दिया। हे एवरीवन, सो इस गमले में जो जंगली गुलाब का पौधा था वो बर्ड ग्राफ्टिंग के बाद इस ब्यूटीफुल रोज वैरायटी का पौधा बन गया है। ये पौधा मेरे पास रह गया और मदर प्लांट मेरी फ्रेंड ले गई। फ्रेंड्स, ग्राफ्टिंग का एक फायदा तो आपको समझ में आ गया होगा कि जंगली गुलाब के पौधे को आप किसी भी अच्छी वैरायटी का पौधा बना सकते हैं ग्राफ्टिंग करके। और दूसरा फायदा ये रहा आपके सामने, आप ग्राफ्टिंग करके अलग अलग रंगों के गुलाब के फूल एक ही गुलाब के पौधे से ले सकते हैं। गुलाब में जो सबसे अच्छी ग्राफ्टिंग टेक्निक है वो है बर्ड ग्राफ्टिंग, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मदर प्लांट का एक हेल्दी बर्ड सेलेक्ट करना है। बर्ड पत्तियां जहाँ ब्रांच से निकलती है ना, वहीं पर होता है। आपको कोई ऐसा बर्ड सेलेक्ट करना है जिसमें हल्का सा उभार आ गया हो, वो नया ब्रांच बनने वाला हो। इस बर्ड को 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे से काट कर निकालेंगे। ध्यान रखिएगा जिस चाकू को आप यूज़ कर रहे हैं वो स्टरलाइज होना चाहिए या फिर नया होना चाहिए और काफ़ी धारदार भी होना चाहिए, नहीं तो बर्ड इतने अच्छे से नहीं कट पाएगा। इस बर्ड को हमने काट कर अलग कर लिया है और जिस सरफेस पे मैंने रखा है ना इसे, वो सरफेस भी मैंने अच्छे से स्टरलाइज करा है और अपने हाथों को भी स्टरलाइज कर लिया है। इसे ग्राफ्ट करने के लिए हमें इसे तैयार करना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ब्रांच का बस हम ऊपर का हरा वाला छिलका ग्राफ्ट करने वाले हैं। ब्रांच के साथ जो नीचे लकड़ी वाला हिस्सा आ गया ना, उसे हटा देंगे। ध्यान रखिएगा बर्ड के ऊपर जो पोर्शन पहले वाले पौधे में था अभी भी वही ऊपर जाएगा और उधर हम स्ट्रेट कट लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और नीचे हम वी जैसा ही स्ट्रक्चर रहने देंगे। बाद में आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब बड़े ध्यान से सफ़ेद वाले हिस्से को हरे वाले हिस्से से अलग कर लेते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा नाखून का मदद लेना पड़ेगा। मैं क्या करती हूँ ना, ग्रीन वाले हिस्से को साइड साइड से सफ़ेद वाले हिस्से से पहले अलग कर लेती हूँ और उसके बाद नाखून या कैची की मदद से सफ़ेद वाले हिस्से को ग्रीन वाले हिस्से से अलग कर लेती। बर्ड तैयार हो गया ग्राफ्ट करने के लिए। चलिए अब जो जंगली वाला पौधा गमले में लगा हुआ है उसे तैयार कर लेते। ग्राफ्टिंग करने के लिए आप पेंसिल थिकनेस वाला ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए और अपने ग्राफ्टिंग नाइफ को फिर से एक बार अच्छे से सैनिटाइज कर लीजिए। कोई भी रबिंग अल्कोहल जो आप हाथ में लगाते हैं वो आप सैनिटाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब ग्राफ्टिंग के लिए इस ब्रांच को कैसे तैयार करना है, कैसे कट लगाना है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो आपको ऊपर एक स्ट्रेट कट लगाना है, बस बार्क में लगाना है, बहुत गहरा कट नहीं लगाना है। आप ऐसे समझिए कि आपको एक टी टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है। एक हमने बार्क में ऊपर सीधा कट लगा लिया हॉरिजेंटल, अब नीचे हम एक वर्टिकल कट लगाएंगे और फिर बड़े आराम से बार्क को अनफोल्ड करना है, जैसे शर्ट के कॉलर को खोलते हैं ना, बस उसी तरीके से। आप ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे। बस ये ब्रांच तैयार है आगे के प्रोसेस के लिए। अगले स्टेप में जो बर्ड आपने तैयार किया था उसे आपको सेट करना है इस अनफोल्ड करे हुए बार्क के बीच में। ध्यान से देखिएगा। देखिए बर्ड को हमने अनफोल्ड करे हुए टी में परफेक्टली फिट कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। बस बर्ड को बाहर रखते हुए आपको पूरे कट पे टेप लगाना है। ध्यान रखिएगा बर्ड को बाहर ही रखना है, बर्ड के ऊपर टेप नहीं लगाना है। जिस लोकेशन पे हम ग्राफ्ट करते हैं उसके 2-3 इंच ऊपर का जो ग्रोथ है उसे काटकर हटा देना चाहिए ताकि पौधा पूरा फोकस उस बर्ड को ग्रो करने में लगाए। नेक्स्ट स्टेप है ग्राफ्ट करे हुए ब्रांच को
पॉलीबैग से कवर कर देना। फ्रेंड्स, ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो बर्ड के अंदर पानी चला जाएगा और बर्ड ख़राब भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा पैक नहीं करना, बस हल्का हल्का सा आप पॉलीथीन को दबा दीजिए जिससे हवा भी अंदर बाहर हो सके। फ्रेंड्स, रोज़ ग्राफ्टिंग के लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अच्छा महीना रहता है और इस टाइम कभी कभी बारिश भी हो जाती है, इसलिए ये स्टेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रोज़ प्लांट आउटडोर प्लांट है, तो इस पौधे को ग्राफ्टिंग के बाद भी आप आउटडोर ही रखिएगा। कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप नॉर्मल रोज़ प्लांट को ट्रीट करते हैं बस वैसे ही करिएगा। पॉलीबैग को दबाने के लिए मैं ऊपर की जो कुछ कटिंग्स थी ना, वही यूज़ कर रही हूँ। बस यूँ ही इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। बट ग्राफ्ट कर दिया, पॉलीबैग से प्रोटेक्ट कर दिया। चलिए अब इंतज़ार करते हैं अपडेट का। ग्राफ्टिंग करे हुए 18 दिन हो गए हैं और अब समय है आपको पहला अपडेट दिखाने का। ओप्स, पॉलीबैग टीप से चिपक गया है। बड़ा डर लगता है, पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है अगर थोड़ी भी हड़बड़ करी जाए तो। तारा, ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल। चलिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। क्या आप देख पा रहे हैं, ये बर्ड अब नया ब्रांच बनने के लिए बिल्कुल तैयार है और अब इसे कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको क्या करना है, अगर कोई भी नई ग्रोथ आपको दिखती है इस बर्ड के ग्रोथ के अलावा, तो आप उसे तुरंत ही हटा दीजिए। उससे पौधे की पूरी एनर्जी इस बर्ड को ग्रो करने में लगेगी। ये रहा ग्राफ्टिंग करने के 28 डेज बाद का अपडेट। बर्ड अब ब्रांच बन चुका है और इस ग्राफ्टेड प्लांट में अगर इसके अलावा और भी कोई नया बर्ड ग्रोथ आपको दिख रहा है ना, तो आप उसे तुरंत ही हटा दीजिए। दोस्तों, ये है मदर प्लांट जिससे हमने बर्ड निकाला था और अब ये पौधा मेरी फ्रेंड ले जा रही है। और ये रहा प्लांट जो मैंने ग्राफ्टिंग करके तैयार करा। ये जंगली गुलाब का पौधा था जिस पे मैंने मदर प्लांट का बर्ड ग्राफ्ट किया था, इसलिए जंगली गुलाब के पौधे का कोई भी दूसरा ब्रांच हम ग्रो होने नहीं देंगे। बस जो बर्ड ग्राफ्टेड ब्रांच है ना, इसे ही ग्रो करेंगे आगे और इस पे ही मल्टीपल ब्रांचेस आएंगे तो उनसे फ्लावर लेंगे। अब ये रहा आपके सामने ग्राफ्टिंग करने के 6 महीने बाद का अपडेट। टेप मैं हमेशा ही खुद ही हटने के लिए छोड़ देती हूँ और फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे टेप के ऊपर जो हल्का सा ब्रांच का पोर्शन था, बस उसे मैंने प्रून किया था बीच में। ये जो थोड़ा सा टेप बचा रह गया है, इसे हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अब बर्ड यूनियन काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है और आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे हमने ग्राफ्ट किया था वहाँ पे बल्जिंग है। और अगर बर्ड बर्स्ट हो, जो कि रोज़ में अक्टूबर के टाइम होता है, उस पर मैंने डिटेल वीडियो करा हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। उस टाइम यहाँ से जब ब्रांचेज आएंगे तो उस पर बहुत ही खूबसूरत बड़े बड़े फूल भी लगेंगे। फिलहाल इस पे एक फूल लगा हुआ है, एक फूल मुरझा चुका है और एक प्यारी सी कली है। फूल वैसा ही है जैसा मदर प्लांट में था। चलिए फ्रेंड्स, ये तो था बर्ड ग्राफ्टिंग से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन। रोज़ प्लांट केयर पे तो मैंने आपके साथ कई सारा वीडियो शेयर करा है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं सारे रिलेटेड वीडियोज़ की लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। और फ्रेंड्स, आपको बताना है अभी जो स्क्रीन पे रोज़ प्लांट दिख रहा है, ये किस वैरायटी का है। सही आंसर देने वाले 2 लोगों को मैं अपने ऑनलाइन प्लांट स्टोर से कुछ सीड्स भेजूंगी। और एक खास बात, आप पीछे का वीडियो बैकग्राउंड देख रहे हैं, इसे मैंने रिसेंटली क्रिएट करा है और मैंने इसे कैसे बनाया है इसका डिटेल वीडियो मैंने अपने नेचर इंपोर्ट चैनल पर डाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा वो वीडियो, मैं उसका भी लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा मदर नेचर का। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। ग्रीनर, हेल्दियर, हैप्पी अर्थ। प्रकृति'स गार्डन साइनिंग ऑफ।